मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज एक कॉर्नर धागे का फॉल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो फॉल्ट अपना ज़्यादातर वर्पिंग स्टेज में दिखता है और ये जो फॉल्ट है बंचेस प्रॉब्लम बोलते मतलब कॉर्नर का जो कोड है बीच बीच में इकट्ठा ही मतलब थोड़ा सा बंच बन के निकल जाता है और जब बंच बन के जाता है वर्पिंग में जाके ए, मतलब जहाँ पे वर्पिंग में अपन एक एक धागा डालते हैं उस पर बंश बन के अटक जाता है वो आजू बाजू में दो चार तार और तोड़ देता है मतलब धागा तोड़ देता है तो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और स्पिनर लोग के लिए ये भी एक चैलेंज है कोई धागे में अगर बंश प्रॉब्लम आता है वार्पर डायरेक्ट मना कर देता है नहीं आपकी धागे में प्रॉब्लम है मतलब मा, हम नहीं ले पाएंगे या नहीं चला पाएंगे ऐसे सीधा बोल देता है तो उसके लिए क्या करना देखो मेरा दो चार उसे मतलब सजेशन है अगर ये सजेशन कोई मान के काम कर लेगा उसको बिल्कुल गारंटेड बंश का प्रॉब्लम नहीं आएगा और उसके लिए आपको देखो बंश के कारण क्या क्या दिक्कत आता है बंश क्या होता है उसको पहले बता दूँ ऑब्जेक्टिव्स देखो ये बंश अप कम्स आठ ग्लांस इन वर्पिंग वर्पिंग मशीन में कौन से अचानक बंश बन के धागा इकट्ठा ही तरह निकल जाएगा और वो रुक जाएगा आजूबाजू में दो चार तार और तोड़ देगा धागा तो वो बंच प्रॉब्लम बोलते फॉर दिस फॉल्ट मल्टीपुल ब्रेकेज इन वर्पिंग वर्पिंग में इसके कारण बहुत सारे तार एक साथ टूट जाता है और वर्पिंग एफिशेंसी अफेक्टेड फॉर दिस इसके लिए वर्पिंग में एफिशिएंसी कम हो जाता है क्योंकि अननेसेसरी बंश आ जाता है प्रॉब्लम हो जाता है हार्डवेस्ट परसेंटेज इंक्रीज फॉर दिस जैसे बार बार इतना इतना धागा बंश बन के आ जाएगा इसको आपको तोड़ के ही धागा लगानी पड़ेगी गांठ लगानी पड़ेगी तो उसमें क्या होगा तो वो हार्डवेस्ट बन जाता है और उसके बाद देखा इट इज़ ए सीरियस मार्केट कंप्लेन फॉर स्पिनर्स स्पिनर लोग के लिए एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है इसको सही करना बहुत जरूरी है और वर्पिंग ऑपरेटर अपसेंटेज इंक्रीज अगर इस टाइप का अगर कंप्लेन आता है तो धागे में प्रॉब्लम रहता है तो वर्पिंग का जो कारीगर है वो अपसेंट मारना चालू कर देते हैं तो वही एक कारण है तो धागा लेने में मना कर देते हैं एक्शन प्लान देखिए सेट रिंग रेल स्पीड रिंग रेल स्पीड सेट मतलब क्या है मतलब काउंट के हिसाब से रिंग रेल का स्पीड सही तरीक़ा से सेट करना जैसे आपकी जी फाइव वन है एल आर सिक्स है जिस पर अपन मनवाली करते गियर चेंज करके और कोई एल आर नाइन है के टी टी एम है रीटर मशीन जो नई नई मशीन आया उसमें आपकी रिंग रेल का स्पीड वगैरह इन्वर्टर से चेंज करते कोई लिफ्टर रचेट नहीं रहता तो वो इन्वर्टर से चेंज करोगी तो उसका जब काटालाग में जिस हिसाब से काउंट के हिसाब से दिया होगा रिंग रेल स्पीड उसी हिसाब से आप सेट कर दोगे लेकिन ये जो फॉल्ट आता है बंच प्रॉब्लम आता है अगर वो काउंट के हिसाब से जैसे काटा में दिया वो तो आप डाल दोगे वो देख के लेकिन जो माल करते हैं गियर चेंज करके फॉर एग्जाम्पल देखो इस पे मैं काउंट लिखा लिफ्टर हु लिखा और रैचिट पिन लिखा ये जो है पूरा कम्बिनेशन उसी हिसाब से रहना चाहिए आपको एक चीज बता दूँ मेरा एक वीडियो और है आप देखिएगा एक बार उस पर ऐसे मैंने दिया जैसे ये रिंग फ्रेम का बॉबिन है ठीक है ये, ये जो जब रिंग रेल ऊपर जाता है ऐसे ऐसे धागा भर भर के जाता है जब ऊपर जाता है ऐसे भर भर के जाता है इसको अपन बोलते हैं वाइंडिंग लेंथ और जब नीचे नीचे आएगा तो उसका बीस बीस में बाइंडिंग करके एक एक धागा डालेगा इसमें देखो लाल दे न, इसको बाइंडिंग बोलते हैं ये लाल वाला बाइंडिंग है तो इसको क्या होता है देखो बाइंडिंग बाइंडिंग क्यों बोलते हैं आपको समझाता हूँ रिंग डल जब ऊपर जाता रहेगा ऊपर जाता रहेगा तो बिल्कुल स्पीड कॉम में जाएगा ऊपर थोड़ा 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 करके जाएगा तो जैसे चेस लेंथ पूरा हो जाएगा वहीं से फिर बैक करेगा जब यहाँ से वहाँ तक जाएगा तो बिल्कुल स्लो जाएगा तो धागा ज़्यादा लपेटेगा बॉबिन में क्योंकि स्पीड कम हो गया डिलीवर तो वही आएगा फ्रंट रोल से तो इस पर धागा इस पर ज़्यादा लपेटेगा जब गिरेगा वो स्पीड से गिरता है जब रिंग रेल डाउन जाता है ना बहुत स्पीड से गिरता है तो इसमें ये लाल वाला जो दिखा गिरने के टाइम मतलब वाइंडिंग हुआ और ब्लू वाला जो ऊपर चढ़ने के टाइम हुआ ऊपर चढ़ने के टाइम जो होता है वाइंडिंग लेंथ बोलते हैं और नीचे गिरने के टाइम जो बाइंडिंग लेंथ मतलब ये सिस्टम रहता है जैसे देखो एक धागा इधर एक धागा इधर गिरा ठीक है और एक लाल वाला जो बोला लाल वाला यहाँ गिरा इसका ऊपर बीच में तो ये क्या दो धागा तो बीच में इसको बाइंड करके कर रखा मतलब टाइट करके कर रखा तो वाइंडिंग बाइंडिंग अगर बराबर रेशियो नहीं बैठेगा तो दिक्कत जाएगा इसीलिए वाइंडिंग का स्पीड समझ लो वाइंडिंग बाइंडिंग का जो स्पीड है रिंग रेल का वन टू टू बोलते हैं मतलब जब ऊपर जाएगा रिंग रेल जो स्पीड रहेगा गिरने की टाइम दो गुना स्पीड में गिरेगा ये एसियो अगर रहेगा वाइंडिंग बाइंडिंग तो बढ़िया रहेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है रिंग रेल रिंग रेल कैसे होता है जैसे आपकी फाइन काउंट है बिल्कुल स्लो स्पीड में रिंग रेल जाना चाहिए कोर्स काउंट है फास्ट जाना चाहिए क्योंकि यान डायमीटर बढ़ जाएगा जब कैल डालेगा जो धागा का कैल जैसे गिरेगा तो उसी हिसाब से कोर्स काउंट है जल्दी जल्दी भर जाएगा तो फाइन काउंट होगा आहिस्ता आहिस्ता भरेगा तो रिंग में रिंग रेल जो स्पीड है देखो आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ देखो आठ से बारह काउंट में सम्भ लो रिंग फ्रेम सम्भर लो एल एम डब्ल्यू का मतलब ये जी फाइव वाइ एल आर सी उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आठ से, से बारह काउंट देखिए अस्सी टीथ लिफ्टर रहेगा ई और एफ रहेगा तेतीस ये सबका जोड़ होता है ई प्लस एफ एक सौ तेरह टिथ ठीक है ये आठ से बारह काउंट हो गया समझ लो अस्सी से अस्सी प्लस तैतीस का तेरह से चौदह तिहत्तर से चालीस पंद्रह से बीस सिक्सटी नाइन से फर्टी फोर इक्कीस से चौबीस तिरसठ पचास पच्चीस से तीस काउंट तिरपन साठ इकतीस से चालीस पचास तिरसठ इकतालीस से पचास चौरालीस उनसत्तर इक्यावन से साठ साठ चालीस तिहत्तर एक अपन ट्रायल एंड एर में ले अपन सही करते हैं और इसको आप लोग भी अपने हिसाब से ट्रायल करके ले सकते हो कि इसमें अपना बॉबिन कंटेंट बढ़ता है कि इसमें वाइंडिंग और बाइंडिंग लेंथ का रेशियो बढ़िया रहता है और पैकेज पूरा टाइट रहता है मतलब एक साथ जैसे ऑटोकोरम पे बॉबिन कोर में चलता है एक साथ जैसे बॉबिन से गुच्छा ऐसा खुल के ना चला जाए इसीलिए उसी हिसाब से लिफ्टर का सेटिंग करते पिन देखो ये चौदह काउंट तक आप रेसिड पिन तीन कर सकते हो चौदह से ऊपर काउंट है ये आप दो पिन चला सकते हो अप टू पचास काउंट तक फिर इक्यावन काउंट से ऊपर एक पिन कर देना रेचिड पिन से भी डिपेंड करता है वो पिन का भी आप हिसाब किताब रखना उसके बाद देखो सेट चेस लेंथ चेस लेंथ क्या है मेरा वही वीडियो जो आपको पता है उसमें चेस लेंथ वाइंडिंग लेंथ बाइंडिंग लेंथ सब समझाया हुआ चेस लेंथ मतलब जैसे ये बॉबिन बॉबिन है ना धागे वाला बॉबिन एक स्ट्रोक में रिंग रेल यहाँ से लो यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से यहाँ तक जो आया वो नापने का जितना एम एम होगा उसको चेस लेंथ बोलते हैं और चेस लेंथ तो जो होता है देखो ये छत्तीस एम एम का मतलब रिंग डाया प्लस पंद्रह से बीस परसेंट एक्स्ट्रा मानते हैं सम्भोलो छत्तीस एम एम का रिंग है चालीस से बयालीस एम एम तक चेस लेंथ रखते हैं चालीस रखो या इकतालीस रखो या बयालीस रखो ऐसे अड़तीस एम एम का बयालीस से चौरालीस ऐसे जैसे जैसे, जैसे रिंग डाया बढ़ेगा चेस लेंथ बढ़ता रहेगा समझ लो एग्जाम्पल आपने छत्तीस एम एम का रिंग डाया लगा और आपने चेस लेंथ डाल दिया चौरालीस या छियालीस डाल दिया तो ज़्यादा डाल दिया वो उस केस में क्या होता है अप होगा वो आगे ऑटोकोन में जैसे माल चलेगा अचानक खींच लेगा ज़्यादा तो ये चेस लेंथ का भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्लबअप का इसका ध्यान रखें उसके बाद देखिए रिंग ट्रेवलर हैवियर रिंग ट्रेवलर हमेशा सा हैवियर साइड रखना लाइटर साइड नहीं रखना अगर आपकी गुच्छे की प्रॉब्लम है या बंश की प्रॉब्लम है इसको हिंदी में गुच्छा भी बोलते हैं तो गुच्छा की प्रॉब्लम है तो आप रिंग ट्रेवलर हमेशा भारी साइड रखना लाइटर साइड नहीं लाइटर साइड रखोगे बॉबिन पोची बनेगा सॉफ्ट बनेगा एकदम से ऑटोकोन में चलते चलते बंच खींच के ले लेगा तो उसके बाद देखो क्लीन ऑटोकोना ड्रम्स बाई एमरी पेपर जो एमरी पेपर होता है जो सैंड पेपर बोलते हैं या बालू कागज़ बोलते हैं वो बारीक दाने वाला जो आता है छोटा छोटा दाना वाला इसको बिल्कुल ले के, पेट्रोल ले के, बिल्कुल इसको साफ ये करना ड्रम को बढ़िया क्लीन करना क्लीन करेगा तब जो उसमें जो कभी कभी खरौश रहता है वो ग्रुप का अंदर रहता है तो उसमें ग्रुप में खरश रहेगा तो फिर उसमें दिक्कत जाएगा क्या मतलब धागा काट देगा काट देगा तो वहीं पे कटा हुआ धागा रहेगा बंद जैसा एक साथ निकल जाएगा तो उसके बाद क्लीन ऑटोकोना ड्रम्स बाई एल बी फर्टी अगर आप एमरी पेपर मार दिया खरोश जो खरोश वगैरह जो खराब हो गया जो दाग वगैरह ये कटा पुटा होगा थोड़ा घीस के प्लेन हो गया उसके बाद एल वी फर्टी से इसको साफ़ कर दीजिए और ये वीडियो अभी अभी दो चार पॉइंट और है लेकिन एक विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए और मेंबरशिप लेने से चैनल का भी आगे बढ़ने की उम्मीद है और आप लोग को भी सीखने में ठीक लगेगा मतलब चैनल टिका रहेगा तो मेंबरशिप लीजिए एक बार उसके बाद देखिए चेक लिफ्टिंग अप ईच ड्रम ये सबसे इम्पोर्टेंट है लिफ्टिंग अप इस ड्रम लिफ्टिंग क्या चीज़ होता है आपको बता दूँ जैसे आपके कोनर चलता है धागा लपटता रहता है एक बार यान ब्रेकेज हुआ किसी भी कारण से तो वो जो ड्रम होता है वो ड्रम के ऊपर जो कोन रहता है पेपर कोन उसके बाद धागे वाला लपट कर रहता है वो थोड़ा सा उठ जाएगा इतना गैप थोड़ा सा गैप दे देगा थोड़ा सा उठ जाएगा जब तो जो ड्रम हाई स्पीड में है पंद्रह सौ सोलह सौ सो आर में एम पी एम में वो जब रुकेगा तो धागा ऊपर हो जाएगा तो धागा को रगड़ नहीं खाएगा नहीं तो जो धागे का ड्रम का ग्रुप है धागा को काट के रगड़ खा जाएगा तो हर ड्रम का लिफ्टिंग होना ज़रूरी है लिफ्टिंग चेक करना एक ऑटोकोम में पाँच दस मिनट का काम है इसको जैसे आप एक साइड से चलना धागा ऐसे ऐसे तोड़ते रहना ड्रम अचानक ऐसे उठ जाएगा फिर दूसरा धागा तोड़ना फिर उठ जाएगा ऐसे सारी ड्रम एक बार चेक कर सकते हो मैं तो बोलता हूँ आपकी डेली हर ड्रम का लिफ्टिंग चेक होना चाहिए वो रिकॉर्ड में रहना चाहिए वो जो ड्रम लिफ्टिंग नहीं होता है वो ड्रम बंद कर दीजिए पूरा पूरा बंद कर दीजिए जब अटेंड हो जाएगा मेंटेनेंस वाला बोला अटेंड हो गया तब तो इसको चालू करिए और लिफ्टिंग ही सबसे ये जो बंच वाला प्रॉब्लम का कारण इसका ही रोल सबसे ज़्यादा मतलब पचहत्तर मान लो इसी का ही रोल है बाकी सबका पच्चीस परसेंट है उसके बाद देखो बालकन भाल्व मस्ट अपर बाल, बालकन भाल्व क्या चीज़ है एक नया वर्ड आया गया बालकन भार्व ये होता है जैसे अपना ऑटोको में बॉबिन मैगजीन से नीचे गिरता है पेग में तो जब अपना ड्रम का जैसे बॉबिन जैसे खाली होता रहता है बॉबिन जैसे फुल बॉबिल डाला आपने खाली होता रहेगा उसका नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर उठते हुए जाना चाहिए तो ऊपर ऊपर उठते हुए जाएगा क्या होगा बेलून कंट्रोल में रहेगा जो ऐसे धागा खींचता है ना ऊपर ऐसे खींच खींच के लेता है ऐसे ऑन वाइंडिंग होता है तो बेलून कंट्रोल में रहेगा तो इसको बालकन वाला सिस्टम जो है हर ऑटोकोनर में मैंने तो देखा नहीं लेकिन ट्वेंटी वन सी में जरूर है मोराटेक वाले वालेगा आप देखिए अगर वो वो ऑटोकॉनर है तो बालकन चलना चाहिए उसका भाल्व वगैरह ऑपरेट होगा तब जाके वो चालू रहेगा उसके बाद देखो एन टेंशन मस्ट टाइट इन ऑटोक्रोन ऑटोक्रोन में कभी लूज वाइंडिंग नहीं करना लूज वाइंडिंग करेगा तो मतलब गुच्छा जैसा निकल जाएगा टेंशन जो बराबर है काउंट के हिसाब से सी के हिसाब से उसी हिसाब से देना है चेक रिवाइंडिंग ऑन डेली बेसिस हर लॉट का दस ड्रम का रिवाइंडिंग करना रिवाइंडिंग में जो फॉल्ट आता है उसमें देखो बंश का प्रॉब्लम तो नहीं है बंश का प्रॉब्लम है तो अपने घर पे इसको सही करा दीजिए अगर बंश का प्रॉब्लम है मार्केट में धागा मत भेजिए और रिवाइल्डिंग करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा सेट रचेट पिन आज पर काउंट ऐसे ही पता आपको रचेट पिन जो होता है काउंट के हिसाब से सेट करो ऑटो तो ऑटोक्रोनर स्पीड डू नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सम्भल आपके ऑटोक्रोनो तो स्पीड में बोल रहा हूँ पंद्रह सौ पी एम चल रहा है ठीक है पंद्रह सौ आर पी चल रहा है तो अचानक आपके कोई ख़राब कौन को आ गया कुछ हो गया ये पंद्रह सौ एम पी चल रहा है आप इसको कर दिया डायरेक्ट आठ सौ कर दिया फिर थोड़ी देर का बाद कोई आया अरे आठ सौ क्यों चल रहा है कम चल रहा है इसको पंद्रह सौ कर दिया या चौदह सौ कर दिया ये फ्रिक्वेंट कम ज़्यादा स्पीड करोगे तो जहाँ पर स्पीड चेंज किया ना वहीं पर थोड़ा बंच जैसे वर्पिंग में निकल जाएगा तो फ्रिक्वेंट स्पीड चेंज नहीं करना है स्पीड अगर पंद्रह सौ है पंद्रह सौ चलाइए अगर आपके माल नहीं तो ऑटो को बंद कर दीजिए पावर सेविंग कराइए लेकिन स्पीड बार बार चेंज नहीं करना और आज का ये बंश प्रॉब्लम जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ आपको कैसा लगा मेरे को यूट्यूब में कमेंट करके बताइए थैंक यू